उत्तराखंड की बड़ी खबर है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बता दें कि सरकार सदन में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है और बजट सत्र को लेकर सरकार ने खास तैयारियां भी की हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड ने 90,000 करोड़ का बजट सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है। इस बार बजट में महिलाएं, युवाएं और किसानों के लिए काफी कुछ रहने वाला है। बजट को लेकर सरकार काफी उत्साहित भी है। इस बार बजट को पेश करने के लिए सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही रखा है। बजट 2024-25 को सरकार ने इस प्रकार से बनाया है कि आने वाले समय के महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान रखा गया है। वहीं इस बार युवाओं को रोजगार और से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही इस बार कई और विधेयक भी इस बार सदन में पेश किए जा सकते हैं। इसको लेकर भी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बजट में हम काफी कुछ जनता को देने जा रहे हैं। महिलाओं, युवाओं के लिए काफी कुछ रहेगा। उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी इस बार सदन में पारित किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश में होने वाले तमाम प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वालों से उनकी निजी संपत्ति से उसकी वसूली की जाएगी। इसको लेकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से इन सभी मामलों की जाँच कर आरोपियों से वसूली की जाएगी। उत्तराखंड के इस विधायक को इस बार सदन में रखा जाएगा और इसको पारित किया जाएगा।